Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start perfect elastic collision in one dimension. Dear student, in previous lecture we discussed about what is collision and what is the types of collision. तो कोलिजन हम किस चीज को कहते हैं? उर्दू में हम उसको टकराव कहते हैं. अगर दो बॉडी के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं. फिर हमने बोला, हमने ये डिस्कस किया कोलिजन की टू टाइप्स है. एक है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन. सो हाउ वी डिस्टिंग्विश इलास्टिक कोलिजन फ्रॉम द इन इलास्टिक कोलिजन. तो इलास्टिक कोलिजन में ये था, जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन था वो इक्वल था मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन था वो था इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. मतलब इलास्टिक कोलिजन में दोनों चीजें क्या थी? कंजर्व थे. लेकिन ये जो इन इलास्टिक कोलिजन है इसमें मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू बिफोर कोलिजन, नॉट इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. डियर स्टूडेंट, एक बात जहन में रख लो, दुनिया में कोई भी कोलिजन हो, चाहे हो दो मट बॉल्स के दरमियान हो, चाहे हो बैट और बॉल के दरमियान हो, चाहे हो दो व्हीकल के दरमियान हो, चाहे हो दो एटम्स के दरमियान हो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा दुनिया के कोई भी कोलिजन में. और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इलास्टिक कोलिजन में कांस्टेंट रहेगा, और जो इन इलास्टिक कोलिजन है या हेड ऑन कोलिजन है इसमें क्या होगा? ये जो इन इलास्टिक कोलिजन है इसमें क्या होगा? ये इसमें चेंज होगा. मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली. ये जो इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, कीप इन माइंड डियर स्टूडेंट, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इमेजिन करेगा. तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसका मतलब ये है, अगर ये बॉडी हमारे पास M1 है और ये बॉडी क्या है? M2 है. अगर ये दोनों कोलाइड करेगा तो ये भी x एक्सिस में मोशन करेगा और ये भी x एक्सिस में मोशन करेगा. ये जरूरी नहीं है कि ये x एक्सिस में सिर्फ मोशन करेगा, ये y में भी हो सकता है मोशन कर सकता है और z में भी कर सकता है. लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये x एक्सिस पे हो तो ये भी x एक्सिस पे होगा, अगर ये y एक्सिस पे हो तो ये y एक्सिस पे होगा. इसका मतलब ये है, वन डायमेंशन इन वन डायमेंशन का मतलब ये है. लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन. ये जो ऑब्जेक्ट है ये ड्यूरिंग कोलिजन है, कोलिजन है. और ये क्या है? ये आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन. डियर स्टूडेंट, हमारा मकसद क्या है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में? हमारा मकसद ये है, ये कान खुल के सुन लो, हम इस ऑब्जेक्ट का आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी मालूम करना है, और इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन हम बॉडी ए का और बॉडी बी का मालूम करना है. ये हमारा क्या है? मकसद है. मैं कह रहा हूं ये हमारे पास जो M1 ऑब्जेक्ट है और ये M2 ऑब्जेक्ट है, ये M1 ऑब्जेक्ट है और ये M2 ऑब्जेक्ट है, ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है. तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो इलास्टिक कोलिजन है हम दो कंडीशन अप्लाई करना है. इलास्टिक कोलिजन में एक होता है लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा. तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज बिफोर कोलिजन में कहता हूं कि इसका वेलोसिटी u1 है और इसका वेलोसिटी क्या है? u2 है. बिकॉज दिस इज मास वन, सो द मास वन वेलोसिटी इज u1, बट ये जो मैं u1 u2 लिखता हूं ये बिफोर कोलिजन जाहिर करता है, कोलिजन से पहले जाहिर करता है, और ये जो आफ्टर कोलिजन है ये v1 और v2 है. तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है जब हम कोई v1 v2 देखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये आफ्टर कोलिजन है, और ये जो u1 u2 है ये हमें पता चलेगा कि ये बिफोर कोलिजन है. डियर स्टूडेंट, अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेगा
तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा अगर हम दूसरा कंडीशन अप्लाई करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी और इस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी क्या होगा। डियर स्टूडेंट कीप इन माइंड, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी के अज़ीले ज़र्ब को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसका मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू एम वन यू वन। ये मोमेंटम है बपूर कोलिजन बॉडी ए का। इसका मोमेंटम है P इज इक्वल टू एम टू यू टू। ये मोमेंटम है बपूर कोलिजन बॉडी बी का। इसका मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू एम वन वी वन। ये है बॉडी ए का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और P इज इक्वल टू एम टू वी टू, ये है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ बॉडी टू। तो हमें कितना कंडीशन अप्लाई करना है, टू कंडीशन अप्लाई करना है। नंबर एक है अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब यह है कि जो इनिशियल मोमेंटम है इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दुनिया में कोई भी कोलिजन हो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, चाहे दो मर्ज बाल के दरमियान हो, चाहे बाल बेट के दरमियान हो, चाहे दो वेकर के दरमियान हो, चाहे दो एटम्स के दरमियान हो, चाहे दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, ये जो पहला कंडीशन है ये हर कोलिजन के लिए एग्जिस्ट होगा। तो हमारा जो क्या है इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, एम वन वी वन सॉरी यू वन। ये जो यू वन है ये हमें वेलोसिटी शो करता है बपूर कोलिजन, प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू ये बॉडी ए का मोमेंटम है, ये बॉडी बी का मोमेंटम है और क्या है बपूर कोलिजन। ये एम वन v1 प्लस m2 v2, ये बॉडी ए का कोलिजन है आफ्टर सॉरी बॉडी ए का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, और ये बॉडी 2 का मास नंबर 2 का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। डियर स्टूडेंट मैं अभी अरेंज करता हूं, ये जो m1 और m1 है, ये जो m2 और m2 है, मैं एक साइड पे देखना चाहता हूं। तो हमारे पास ही क्या है m1 u1, ये प्लस है इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। ये यहां प्लस है उधर जाके नेगेटिव होगा, माइनस एम टू यू टू। ये है इस टर्म में भी एम वन है, इस टर्म में भी एम वन है, इस टर्म में एम टू है और इस टर्म में एम टू है। तो मैं इस दोनों टर्म से एम वन का मान लेता हूं और इससे एम टू का मान लेता हूं। तो हमारा जो u1 माइनस v1 m1 के बराबर इज इक्वल टू v2 माइनस u2 m2। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो है इक्वेशन नंबर वन। दूसरा हमारा क्या कंडीशन हम अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं कहता हूं कि जो बिफोर कोलिजन एनर्जी है और आफ्टर कोलिजन है वो बराबर होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये क्या है, ये है आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन या बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। डियर स्टूडेंट ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला है हाफ
एम वी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, जनरल है। अगर हमारे पास वेलोसिटी यू वन है तो हमारा, और मास एम वन है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वन यू वन स्क्वायर। ये बॉडी ए का काइनेटिक एनर्जी है बपोर कोलिजन। अगर हमारा मास क्या है, एम टू है, और वेलोसिटी एम टू यू टू स्क्वायर, तो हमारा जो एनर्जी है बपोर कोलिजन बॉडी टू का वो हाफ एम टू यू टू स्क्वायर है। हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, ये ऑब्जेक्ट का एनर्जी है आफ्टर कोलिजन बॉडी ए का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ये ऑब्जेक्ट का एनर्जी है आफ्टर कोलिजन। तो ये जो स्टेटमेंट है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, ये इस तरह हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली। ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है दिस स्टेटमेंट की। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, नीचे नजर आते हैं या नहीं, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ये जो क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, ये हमारे पास बराबर है इस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है, अगर मैं इन दोनों एनर्जी का सम लेता हूं तो ये हमारे पास बराबर है काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, और ये जो दो ऑब्जेक्ट है इसका जो सम है एनर्जी का ये बराबर है फाइनल एनर्जी। तो बिफोर कोलिजन हमारे पास एनर्जी है हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। ये हमारे पास क्या है बिफोर कोलिजन और ये हमारे पास क्या है आफ्टर कोलिजन। तो डियर स्टूडेंट यहां भी हाँ पे तो मैं कॉमन लेता हूं, यहां भी हाँ पे और यहां भी, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा, डजंट मैटर। हाफ m1 u1 square plus m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half, sorry half half common है, m2 u v2 square, ये हमारे पास है। तो ये m1, ये half और ये half cancel होगा। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये चीज नोट किया, तो मैं ये मिटाना चाहता हूं इक्वेशन वन तक। कितने तक, इक्वेशन नंबर वन तक। तो देख लो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो है m1 u1 square plus m2 u2 square is equal to m1 v1 square plus m2 v2 square, ये है हमारे पास फाइनल इक्वेशन। तो यहां देख लो, यहां m1 है और यहां m1 है, यहां m2 है और यहां m2 है, तो मैं m1 वाला टर्म एक साइड और m2 दूसरे साइड में लेता हूं। तो हमारे पास है m1 v u1 square minus m1 v1 square is equal to m2 u2 square minus m2 v2 square, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। तो m1 m2 तो इस साइड से मैं m1 कॉमन लेता हूं और इस साइड से मैं m2 कॉमन लेता हूं। तो हमारे पास u1 square minus v1 square, m1 कॉमन is equal to u2 square minus v2 square, क्या कॉमन, m2 कॉमन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। डियर स्टूडेंट इलास्टिक कोलिजन के लिए हम कितना कंडीशन अप्लाई करना है, इलास्टिक कोलिजन के लिए हमें दो कंडीशन अप्लाई करना है, एक था ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया था। दूसरा जो हमारा क्या है, दूसरा कंडीशन जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया इक्वेशन नंबर टू, ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट अभी मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये एम वन ये एम टू ये एम वन और ये एम टू मिटाना चाहता हूं इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर वन से इक्वेशन नंबर टू से। मैं आई वॉन्ट टू रिमूव, आई वॉन्ट टू फिनिश एम वन एम टू
ये मैं खत्म करना चाहता हूं। जब आप दो इक्वेशन से कोई भी चीज टर्मिनेट करना चाहते हो तो आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। एक है एडिशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। तीसरा है डिवीजन, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लो। और चौथा जो है दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो। जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लो। जब मैं दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लो, या मैं एक काम करता हूं, ये जो इक्वेशन वन है और इक्वेशन टू है ये मैं साथ साथ लिखता हूं, बाकी चीज में मिटाता हूं। U1 minus V1 M1 is equal to V2 minus U2, ये है M2 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये चीज जो है ये मैं मिटाता हूं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया या नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4, देख लो, ये जो M1 है ये M1 है, ये M2 है और ये M2 है, ये मैं खत्म करना चाहता हूं। तो डिवाइडेड इक्वेशन 2/1, तो मैं क्या करता हूं, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर M1 इज इक्वल टू U2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर M2। डिवीजन का मतलब ये है राइट साइड से डिवाइड करो और लेफ्ट साइड से डिवाइड कर लो। डिवाइडेड बाय U1 माइनस V1 M1 इज इक्वल टू V2 माइनस U2 और M2। तो ये M2 M2 के साथ, ये M1 M1 के साथ खत्म होगा। तो हमारे पास जो जवाब है U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर divided by U1 minus V1 is equal to V2 U2 minus V2 whole square, square divided by U1 minus V2 U2 minus V1। ये हमारे पास V2 है, ये हमारे पास बचे हुए equation है। तो बचे हुए equation में अगर आप लोगों ने mathematics थोड़ा सा पढ़ा तो हमारे पास एक formula है, A square माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। तो परस कर लिया, ये हमारे पास क्या है, ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो मैं इस ये फार्मूला इन इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई करना चाहता हूं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये यू वन स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू यू वन माइनस वी वन इनटू U1 प्लस V1, ये है हमारे पास। और ये जी दूसरा है U2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर है U2 प्लस V2 और ये U2 माइनस V2, ये हमारे पास बराबर है। तो मैं इस टर्म के बजाय ये लिख सकता हूं और इस टर्म के बजाय ये लिख सकता हूं। तो देख लो, U1 माइनस वी वन यू वन प्लस वी वन डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला यू वन माइनस वी वन इज इक्वल टू यू टू माइनस वी टू इंटू यू टू प्लस वी टू डिवाइडेड बाई यू टू माइनस वी टू, ये हमारे पास। तो ये और ये कैंसल होगा, ये और ये कैंसल होगा। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या है, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू U2 प्लस V2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। जब हमने कंडीशन नंबर फर्स्ट अप्लाई किया तो हमने इक्वेशन नंबर 1 डिराइव किया, जब हमने दूसरा कंडीशन अप्लाई किया तो हमने इक्वेशन नंबर 2 डिराइव किया, जब हमने तीसरा कंडीशन अप्लाई किया तो हमने इक्वेशन नंबर 3 को डिराइव किया। लेकिन हमारा जो मकसद है वो क्या चीज है, हम इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मालूम करना है और इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मालूम करना है। तो आइए हम कैसे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मालूम करना चाहते हो।
तो डियर स्टूडेंट आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये यहां से ये चीज मैं मिटाना चाहता हूं, ये नहीं है, ये तो फिर मैं मालूम करना चाहता मालूम करता हूं कि हम कैसे एक वेलोसिटी जो बॉडी m1 है इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और जो बॉडी m2 है इसका वेलोसिटी हम कैसे मालूम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट लेट सपोज मैं क्या करता हूं, मैं इससे v2 का वैल्यू मालूम करना चाहता हूं। तो v2 अगर मैं वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का जो m1 है अगर मैं इसका वेलोसिटी मालूम करना चाहता हूं तो मैं यहां से v2 का वैल्यू मालूम करें और इस इक्वेशन नंबर 1 ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट करें। तो पुट करने से हमें किसकी वैल्यू मालूम होगा, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। फिर अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मालूम करना चाहता हूं तो यहां से मैं m1 v1 का वैल्यू क्या करते हैं मालूम करके इसमें पुट करेगा तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो v2 का वेलोसिटी होगा। तो डियर स्टूडेंट फॉर v1 वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ u2 फ्रॉम हियर। सो द वैल्यू ऑफ u2 दैट इज गिवन बाय दिस इससे किस चीज के बराबर होगा, v2 इज इक्वल टू ये v2 u1 प्लस v1 माइनस u2, ये v2 की वैल्यू है। तो यहां पुट कर लो, क्या कर लो यहां पुट कर लो, तो हमारे पास ये इक्वेशन किसके बराबर है, u1 माइनस v1 इनटू m1 इज इक्वल टू यहां हमारे पास v2 है, v2 के बजाय क्या पुट कर लो u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2 और ये है हमारे पास m2। तो अभी मैं m1 इसके साथ भी लिखता हूं, इसके साथ भी लिखता हूं और इन पूरी टर्म्स के साथ भी लिखता हूं, लेकिन हमारे जो क्या है m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू ये हमारे पास है माइनस 2 u2। तो मैं लिखता हूं u1 प्लस v1 माइनस 2 u2 इनटू होल m2। तो हमारे पास ये m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू ये m1 इसके साथ भी लिख लो, इसके साथ भी लिख लो और इसके साथ भी लिख लो, तो m1 m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2 ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट ये जो m1 m1 v1 वाला टर्म है ये m v1 है, तो ये एक साइड पे कर लो और ये जो दूसरा u1 u1 u2 वाला टर्म है ये दूसरे साइड पे कर लो, तो हमारे पास ये बराबर होगा m1 u1 ये पॉजिटिव है ये इधर आके नेगेटिव होगा माइनस m2 ये अपने जगह पे है, ये मैं दूसरे साइड पे लिखना चाहता हूं m2 u1 ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव होगा प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल टू ये अपने जगह पे m2 v1 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव होगा प्लस m1 v1 प्लस m1 v1। डियर स्टूडेंट हमें मालूम करना क्या है, ये चीज मालूम करना है, ये v1 मालूम करना है। तो ये हमारे पास है इसमें u1 कॉमन है तो m1 माइनस m2 u1 कॉमन है प्लस 2m2 u2 इज इक्वल टू इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है v1 कॉमन है तो m2 प्लस m1 या m1 m2 आप भी लिख सकते हैं, इसमें ये v1 कॉमन है। तो अभी मैं क्या मालूम करना चाहता हूं v1, तो ये साइड भी m2 प्लस m1 पे डिवाइड कर लो, ये साइड भी m2 प्लस m1 पे डिवाइड कर लो, ये साइड भी m1 m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 यू कैन राइट ये और ये कैंसिल होगा,
तो फाइनली हमारा जो वी वन है ये बराबर होगा, हमारा जो वी वन है ये बराबर होगा एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम टू या एम वन प्लस एम टू यू वन, और ये प्लस टू एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, और ये हमारे पास है यू टू। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। ये हमारे ये जो वीडियो है ये इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, बॉडी ए का वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। अभी मैं मालूम करना चाहता हूं बॉडी टू का वी टू मालूम करना चाहता हूं। जब मैं वी टू मालूम करना चाहता हूं तो मैं इस इक्वेशन से वी वन का वैल्यू निकालता हूं और इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये लिख दिया, तो मैं ये मिटाना चाहता हूं तो ताकि मैं दूसरा वेलोसिटी भी डिराइव करूंगा इसी तरीके से। तो ये है हमारे पास देख लो, अभी हम क्या मालूम करना चाहते हैं, वी टू मालूम करना चाहते हैं। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम मालूम करना चाहते हो कि किस चीज की बराबर है। तो डियर स्टूडेंट वी वन का वैल्यू यहां से मालूम करना बहुत आसान है। ये यू वन प्लस वी वन है तो वी वन हमारे पास बराबर है यू टू प्लस वी टू माइनस यू वन के बराबर है। तो ये यू वन का वैल्यू यहां पुट कर लो। ये हमारे पास क्या है, वी वन है, ये यू वन है और ये यू टू वी टू है। तो देख लो यू वन अपनी जगह पे, ये जो वी वन है इसका वैल्यू हर एक के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मैं लिखता हूं आसानी के लिए यू टू प्लस वी टू माइनस यू वन एम टू, इस सारे के साथ क्या है M1 है और इसके साथ है M2 V2, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया माइनस M2 U2, ये है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो रिजल्ट है मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा ताकि आप लोगों को लिए मसला ना हो। तो U1 माइनस U2 माइनस वी टू प्लस यू वन एम टू एम वन इज इक्वल टू एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, ये है हमारे पास। तो देख लो ये जो यू वन है और ये जो यू वन है ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि टू यू वन माइनस यू टू माइनस वी टू एम टू एम वन is equal to m2 v2 minus m2 u2, इस तरह बराबर है। तो अभी मैं ये m1 इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, और ये तो ऑलरेडी मैंने लिख चुका हो। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास बराबर है m1 u1 minus m1 u2 minus m1 v2 is equal to M2 V2 minus M1 M2 U2। अभी हम क्या चीज मालूम करना है, V2 मालूम करना है। तो ये जो V2 वाला टर्म है और ये जो V2 वाला टर्म है ये एक साथ लिख लो, और ये जो U क्या है ये U2 है, ये U2 U1 वाला अलग लिख लो। तो डियर स्टूडेंट 2 M1 U1 minus M1 U2, ये मैं वह लिखना चाहता हूं। तो ये हमारे पास प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम टू वी टू, और ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव होगा एम वन वी टू, ये है हमारे पास। तो देख लो ये एम वन ये यू टू और यू टू है, तो इससे मैं यू टू का मान ले सकता हूं। तो एम टू एम वन यू वन माइनस क्या ले सकता हूं मैं कॉमन U2, तो हमारे पास ये किस चीज के बराबर है U2 माइनस ना सॉरी M1
माइनस एम टू के बराबर होगा। और ये हमारे पास यू टू है और इससे मैं क्या का मान लिख सकता हूं, एम टू प्लस एम वन, और ये हमारे पास बराबर है वी टू के। तो डियर स्टूडेंट ये एम वन तो ये माइनस होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो अभी मैं क्या चीज मालूम करना चाहता हूं, ये चीज मालूम करना चाहता हूं, ये एम वी टू, सो एम टू प्लस एम वन डिवाइडेड बाय एम टू प्लस एम वन और ये एम टू प्लस एम वन, तो ये खत्म होगा और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा टू एम वन यू वन एम वन प्लस एम टू माइनस एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू और ये है यू टू। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर फाइव है। तो इक्वेशन नंबर फाइव में हमने डिराइव किया ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ये दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। तो डियर स्टूडेंट इलास्टिक कोलिजन में हमने क्या चीज डिस्कस किया, इलास्टिक कोलिजन में हमने इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंडीशन नंबर फर्स्ट अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर हमने उसी कंडीशन से इक्वेशन नंबर वन डिराइव किया, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया, फिर इसी एनर्जी के इक्वेशन से कंडीशन से हमने कंडीशन नंबर टू डिराइव किया, फिर हमने तीसरा जो स्टेप इस्तेमाल किया हमने दोनों मासेस को खत्म कर दिया, चौथा हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मालूम कर दिया, और पांचवा जो है हमने सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मालूम कर किया। तो ये था हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।